तो कट्टर ईमानदार या फिर कट्टर बेईमान, आज बात इसी की होगी, क्योंकि 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति लेकर आई, उसकी घोषणा की। उस नीति में क्या था? उस नीति में लबोलबाब यही था कि सरकार शराब के धंधे से खुद को बाहर निकाल लेगी, मगर हुआ उल्टा। कैसे, अब वो समझिए। दरअसल शराब के ठेकेदारों को जिम्मा दिया गया कि दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी और उसके तहत लगभग 849 दुकानें खुली। दावा यह था कि प्रॉफिट बढ़ेगा, दिल्ली में शराब भी सस्ती हुई। याद होगा आपको कि हाल ही में एक के साथ एक बोतल फ्री का दिल्ली में जिक्र तक हुआ, लेकिन फिर दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस नीति पर सवाल उठाए, उपराज्यपाल को इसकी जानकारी दी गई, वीके सक्सेना साहब, और वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से, सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। इसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री का नाम भी सामने आया, यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम आया, मनीष सिसोदिया का। अब क्या क्या इस केस में हुआ, अब वो भी समझिए। 17 अगस्त 2022, अगर हम ग्राफिक्स प्ले कर पाए, 17 अगस्त 2022, यही वो तारीख थी जब सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिर तारीख आती है 19 अगस्त 2022, सीबीआई ने सिसोदिया के घर छापा मारा। फिर तारीख आती है 22 अगस्त 2022, ईडी सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। फिर तारीख आती है 30 अगस्त 2022, सिसोदिया के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर की तलाशी होती है। फिर तारीख आती है 27 सितंबर 2022 की तारीख, तब आपके एक नेता जो कि केजरीवाल के करीबी रहे, विजय नायर, गिरफ्तार होते हैं। एक के बाद एक प्रकरण होता है। अब अदालत में पेशी हुई सिसोदिया की, 5 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा, और उसके बाद सड़क से लेकर सदन तक क्या हुआ, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा तस्वीरें प्ले करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक देखिए, आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया, क्योंकि सदन में भी पहले यह मामला गूंज चुका, और सड़क पर प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता लगातार रविवार से ही अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, लगातार नारों के शोर सुनाई दे रहे हैं। तो सवाल यह कि क्या दिल्ली सरकार अब तिहाड़ जेल से चलेगी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली सरकार अब तिहाड़ जेल से चलेगी। सिसोदिया गिरफ्तार और अब जेल से चलेगी सरकार। नशे वाला जो घोटाला है, इसमें दाल में क्या वाकई में कुछ काला है, या सिर्फ जांच एजेंसी बहाना है, केंद्र पर निशाना है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजनीतिक विशेषक, एक दिलचस्प चर्चा इस पूरे मुद्दे को लेकर होगी। लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। सिसोदिया की सिर्फ एक कमजोरी है कि वो अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं और नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ हैं। अडानी की एक खासियत है कि वो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और उनकी सारी जो लूट की राजनीति है उसके सहभागी हैं। इस आधार पर देश में कानून, इस आधार पर देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता है। हम चाहते हैं कि जांच हो, लेकिन मनीष सिसोदिया की भी जांच हो रही है तो अडानी की भी जांच हो, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी जांच हो। अगर निष्पक्ष
जांच करानी है। कई भाजपा के लोग पूछ रहे हैं जांच से क्यों घबरा रहे हो, जांच से क्यों घबरा रहे हो, जांच से क्यों घबरा रहे हो। जांच से तो इस देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है, जब पार्लियामेंट के अंदर सारे सवालों के आने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग आई, प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर भी बोला, राज्यसभा के अंदर बोला, जुबान से एक भी लाइन, एक भी लफ्ज नहीं निकला कि नहीं अगर कोई गलती हुई है तो हम जांच कराएंगे। जांच से आप डर रहे हो, जांच से हम नहीं डर रहे। पहले भी सीबीआई ने बुलाया, मनीष सिसोदिया ने जाकर के सवाल का जवाब दिया, कल भी सीबीआई ने बुलाया, 8 घंटे तक पूछताछ की, आगे भी हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी करके आप दहशत अगर फैलाना चाहते हो, हम दहशत के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है। जिस तरह से इसको कुंडली मार करके आप, जिस तरह से कब्जा करके इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, एजेंसियों को अपने मुट्ठी में लेकर के जिस तरह से आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और मोदी जी, इस तानाशाही का अंत जरूर होगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ लाखों करोड़ की लूट करने वाला आपका मित्र अडानी है, जिस पे सीबीआई खामोश, सेबी खामोश, ईडी खामोश, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश। तो यानी आम आदमी पार्टी निशाने पर ले रही है जांच एजेंसियों को, केंद्र सरकार को, कह रही है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और बीजेपी नेता कह रहे हैं कट्टर बेईमान है। तो आज मसला वही है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शिरकत कर रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है, पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता है। ओंकार नाथ जी कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक है। तरुणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर आप उनकी बेबाक राय को देखते और सुनते आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं तरुणिमा आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि मसला आपके ही है, आपके घर से है। ये दाल में कुछ काला नहीं है तो इतना डर क्यों रहे हैं आप? देखिए, दाल में कुछ काला अगर होता तो आपने 17 अगस्त से जो आपने सारी डिटेल बताई तो उस डिटेल में काला निकल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड डाल दी, उनके गांव में रेड डाल दी, उनके लॉकर में भी रेड डाल दी, और जब कुछ नहीं मिला तो ये रणनीति तैयार करते रहे कि कैसे मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जाए। अब मेयर का चुनाव आ गया, मेयर का चुनाव हुआ, दिल्ली की जनता ने इन्हें नकार दिया। अब 2 महीने तक ये मिसबिहेव करते रहे, मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दिल्ली ने देखा कि किस तरह से भाजपा के पार्षद आम आदमी पार्टी को मार रहे हैं और मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे। ओहो, यानी वो बात भी, यानी आप गांधी जी वाली बात कर रहे हैं, एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। मेयर का चुनाव हुआ, तरुणिमा जी देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद चुनाव हुआ, और चुनाव में अभी मेयर चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। इनकी रणनीति ये थी कि मेयर जो है एक सिंगल पूरे दिल्ली का जो है मेयर एक सिलेक्ट किया था इन्होंने, रणनीति के तहत बनाया था कि हमारा मेयर बन जाएगा और दिल्ली में हमारा कब्जा हो जाएगा। मसला मेयर या शिक्षा विभाग का नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड चोरी या ब्लैक बोर्ड घोटाले का नहीं है। आप लोग शिक्षा मंत्री का जिक्र कर रहे हैं, मैं आबकारी विभाग का जिक्र कर रहा हूं। अगर छोटे छोटे सवाल हैं फिर ताकि, क्योंकि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और फिर दिक्कत हो जाती है जी। आपको ही पूरा वक्त दूंगा, लेकिन अगर कुछ नहीं था, मेरे सवाल को समझिएगा, अगर कुछ नहीं था तो आपने नीति क्यों बदली? आप तो कट्टर ईमानदार है ना, तो यू टर्न क्यों ले लिया? देखिए, हमने यू टर्न नहीं लिया। हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ा बुखार है मुझे, इसलिए थोड़ा खांसी हो रही है। प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। हमने यू टर्न नहीं लिया, लेकिन एलजी जी ने उसको मना कर दिया, उस पर स्टे लगा दिया कि ये वाला अबकारी नीति नहीं होगी। अच्छा, तो एलजी ने कहा और आप मान गए। वही रणनीति आप सुनिए, अब वही रणनीति हमने जो दिल्ली में लागू की थी वही हमने पंजाब में लागू की, और पंजाब
पंजाब में बहुत बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, तो इसलिए एलजी ने बोला, तो आपने कहा कि नहीं एलजी साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसलिए हम नीति वापस लेते हैं क्योंकि एलजी साहब ने कहा है। देखिए ये बीच में दोनों की बातचीत हुई कि क्योंकि हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम बहस नहीं करना चाहते। अच्छा, लेकिन एलजी जो दिल्ली में तानाशाही वाला काम कर रहे हैं, 144 करोड़ लाइसेंस फीस को माफ क्यों कर दिया फिर आपने, काम कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये लोकतंत्र का हनन है। तरुणिमा जी, आपने 140 करोड़ लाइसेंस फीस को माफ क्यों कर दिया फिर? देखिए, कोरोना काल में हर राज्य में जो भी व्यापारियों ने पैसा लगाया था या ठेकेदारों ने पैसा लगाया था, उनका पैसा वापस किया गया। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने कई ठेकेदारों के पैसे वापस किए गए। हाँ। तो हमने भी अगर वापस कर दिए तो हमने इसमें घोटाला क्या किया? तो प्रॉफिट मार्जिन जो था 5%, आपने उसे 12% क्यों कर दिया? 20% तक बात हुई। देखिए, ये दिल्ली की अपनी रणनीति थी कि वो किस तरीके से उनको वापस किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से नहीं, आपने तो प्रॉफिट मार्जिन को ही बढ़ा दिया ना, इससे तो घाटा हुआ होगा बना दिया दिल्ली की, देखिए दिल्ली की सरकार को तो घाटा हुआ होगा ना, बना दिया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि 70,000 करोड़ का हमारा बजट है और ये कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने कर लिया। अगर मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर लिया तो वो कहीं ना कहीं तो सेट किया होगा, कहीं तो जमीन खरीदी होगी, कहीं तो मैं आपकी बात, कहीं तो किसी मैं को दिया आपका, होगा। आपका सवाल ये सवाल इतना पूछूंगा, निकाल पाए। जो बात आप कह रही हैं वो केसी जैन साहब जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब प्रॉफिट मार्जिन था वो 5% से बढ़ाकर 12% क्यों कर दिया गया? इससे तो नुकसान हुआ होगा ना दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की जनता को, कि नहीं राजस्व का? देखिए, अगर जिस तरीके से दिल्ली में आबकारी विभाग का रणनीति तैयार हुई थी उसमें 12% हो या 20% हो, लेकिन जिस तरीके से वो काम किया गया था वो बेहतरीन था। अगर 12% नुकसान दे है तो जो पंजाब में हमने रणनीति सेम रणनीति की है तो हमें फायदा कैसे हुआ? मैडम फिर वापस क्यों ले लिया? सवाल तो वही आ गया फिर। यही तो जवाब दे रहा था कि हर काम में हम जो भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसमें एलजी जो है टांग लगाते हैं, वो रोकने का काम करते हैं। अच्छा, तो एलजी कह रहे थे, एलजी तो बहुत कुछ कहते हैं, आप मान लेते हैं? देखिए, एलजी किसके बात मान रहे हैं ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया, पूरा देश जान रहा है, आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। तो किस द्वेष भावना से केंद्र सरकार दिल्ली को अपने तरीके से चलाना चाहती है, ये गलत है। लोकतंत्र का हनन जो कर रही है वो ना हो। अब ये बताइए, अगर गिरफ्तारी की है मनीष जी की, तो फिर जो भ्रष्टाचार अडानी ने किया उस पर क्यों नहीं बात हो रही सदन में? उस पर तो कोई बात नहीं हो रही, मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। और अगर राज्य के घोटाले की बात है तो गुजरात में जो जहरी शराब से लोग मरे थे उस पर क्यों नहीं जांच हुई? जब वहां पे तो शराबबंदी है उस पर कोई बात नहीं हुई। अडानी के एयरपोर्ट में 30,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया उस पर कोई जांच नहीं हुई। तो ये अपने तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं, हर राज्य को चलाना चाहते हैं। यानी आप शराब नीति पर बात नहीं करेंगे, आप सब मुद्दों पर बात करेंगे लेकिन शराब नीति पर बात नहीं करेंगे। ओके, केसी जैन साहब, केसी जैन साहब, कोई जांच नहीं होती। केसी जैन साहब जी, जी चावला जी, ये कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आप कह रहे हैं ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा था कि ये भ्रष्टाचारी हैं तो इतनी देर से रिएक्ट क्यों किया सीबीआई ने? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने आप को लगातार पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ। और सिसोदिया जी ने यह भी कहा कि हम सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हम्म। और वो जांच में पहुंचे भी ऑफिस में जवाब देने के लिए भी। हम्म। लेकिन जांच अधिकारियों ने जो बात कही कि ये लगातार गोल मोल जवाब दे रहे थे, जांच पे कोई सहयोग नहीं किया, इसीलिए न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय से फिर से जो 5 दिन की रिमांड पे लिया गया, इसीलिए लिया गया है जैन साहब कि सही तरीके से जांच हो पाए और चीजें सामने आ पाए। जैन साहब कह रहे हैं कि दूसरी बात, कि पैसा कहां छुपाया हुआ है, किस जगह पर आपने खोद के जमीन में छिपाया, वो पूछ रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि सहयोग नहीं कर रहे, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा। अब वो कह रहे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं कहां बता दूं पैसा कहां छुपाया? देखिए, बात ये है चावला जी कि अगर ये इतने पाक साफ हैं, हाँ,
और इन पे कोई, इनको लगता है कि कोई आरोप इनके ऊपर नहीं है। हाँ। और जांच कौन कर रहा है? सीबीआई कर रही है। प्रदर्शन कहाँ करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने। लगता है भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसी है। तो कुल मिलाकर के अपनी कहीं ना कहीं भड़ास निकाल रहे हैं और तथ्यों को छुपा रहे हैं। एक बात बताऊं जैन साहब, सिसोदिया जी पे, जैन साहब सिसोदिया जी पे एक बड़ा आरोप है जैन साहब जी, ना अभी वो वाली बात क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट, क्योंकि ओंकार नाथ जी भी यही पर ही है। शायद जब जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के वक्त कहा था कि पिंजरे का तोता सीबीआई, राइट, गलत होऊंगा तो करेक्ट कर दीजिएगा, तब आप लोगों ने कहा था कि ये प्रमाण है यूपीए की सरकार में सीबीआई पिंजरे के तोते में है। तो ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे, ये बता रहे थे आम आदमी पार्टी। प्लीज जवाब सुन लीजिए। देखिए, सवाल आपका छोटा सवाल नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और इसी चीज को सिद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चलिए, पिंजरे का तोता नहीं है सीबीआई, पिंजरे में बंद तोता नहीं है, ये स्वतंत्र इकाई है। और अब पिंजरे से बाहर निकल चुका है, पंख भी फड़फड़ा रहा है, उड़ान भी भर रहा है। जब उड़ान भर रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है कि इतनी उड़ान तो कैसे भर रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि ये पिंजरे का तोता नहीं है, तो ये पिंजरे का तोता अगर नहीं है तो ये तोता सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के यहीं क्यों जाता है, जबकि जो ऑन एवरेज लगभग 95% 95% विपक्ष के नेताओं पर एक्शन हुआ? ये संयोग है, प्रयोग है। आरोप लगता है चावला जी, देखिए एक आरोप बार बार लगता है। हाँ। कि चुनाव है अभी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की बहन बार बार कह रही थी कि चुनाव है, मेयर के चुनाव है, इसलिए ये हो रहा है। अरे अब तो मेयर के चुनाव भी हो गए, और देश में कोई ना कोई चुनाव तो रहता ही है। देश में कभी नगर निकाय का चुनाव है, कभी एमएलसी का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है, कहीं कभी विधानसभा का सवाल चुनाव है, जैन साहब। कोई ना कोई चुनाव रहता है। अब ये कह दे चुनाव की वजह से विपक्षियों के ऊपर सीबीआई रेड डाल रही है, तो क्या सीबीआई फिर से तोता बनकर के पिंजरे में कैद होकर के बैठ जाए? और फिर एक चीज का और ये बार बार बचाव कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री बता रहे इनके ऊपर जो आरोप है वो आबकारी डिपार्टमेंट के हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि सीबीआई सिर्फ विपक्षियों को पकड़ रही है और भाजपा के सारे नेता ईमानदार हैं? उत्तर प्रदेश में इतने सारे चिन्मयनंद हैं, बहुत सारे मंत्री हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं, उस पर तो कोई सीबीआई चार्ज नहीं बैठाती। आप बंगाल में जाते हैं, आम आदमी पार्टी बंगाल में जाते हैं, जो भ्रष्टाचारी उन्हें अपनी पार्टी में ले लेते हैं, उस सीबीआई की कोई जांच नहीं होती क्योंकि वो साफ सुथरे हो जाते हैं। आपके आपकी पार्टी में घुसते ही वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं, गंगा जल से धुल जाते हैं। स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ जी, देखिए अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति है केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी एक एक कांग्रेस का काला चिट्ठा निकाल के दिखाते थे पूरा पूरा कि देखिए ये हमारे पास जाते हैं और शीला दीक्षित की सरकार ने ये घोटाले किए हैं, हम दिल्ली में आ जाएंगे, ये करेंगे, और उन्होंने तमाम सारी FIR भी दर्ज कराई। तो अगर आम आदमी पार्टी को लगता है, अगर आम आदमी पार्टी को लगता है आपने सवाल किया, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जवाब सुन लीजिए, देखिए केजरीवाल जी को चाहिए कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप बनता है तो जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी अधिकार है कि सीबीआई जांच का आदेश कर सकता है। चलिए भाजपा पक्षपात कर रही है, मैंने मान लिया भाजपा पक्षपात कर रही है, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? वो तो कच्चा चिट्ठा दिखाते थे शीला दीक्षित जी की सरकार का, एक एक मंत्री का, और वो तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते थे अपील करने। अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? कर दिया था हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से छूट नहीं रही है, कोई आधार नहीं, झूठ बोल रहे हो। अच्छा एक मिनट केसी जैन साहब, कर्णिका जी एक मिनट ऑडियो नीचे। अब मैं ओंकार जी और कौशिक जी के पास जाऊंगा, पूरा वक्त उनको दूंगा। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट ओंकार नाथ जी, मैं कौशिक जी फिर आपके पास आ रहा हूँ। ओंकार नाथ जी, अभी मसला तो आप ये कह रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे,
हर बाजार हर रैली इनके बिना अधूरी नहीं होती थी, सब एक ही बात, ये बी टीम है, ये बी टीम है, ये बी टीम है। आपके छोटे से लेकर बड़ा नेता बोले ना केजरीवाल बी टीम है, तो फिर ये ए टीम बी टीम पर अटैक क्यों कर रही है? जब आपस में क्लैश होता है तो अटैक हो जाता है। आपको याद दिला दें, ये घपला आज से नहीं चल रहा, ये बहुत दिनों से चल रहा है। अच्छा, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो प्रमुख है अनिल चौधरी जो अध्यक्ष है, उन्होंने 14 दिसंबर 2021 को हरदीप पुरी जी से मुलाकात की थी, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है भारत सरकार के, और उन्होंने इस नीति का विरोध किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। फिर 15 फरवरी 2022 को बाकायदे सीएम रेजिडेंस का घेराव किया, उसके पहले हर विधानसभा में, हर क्या कहते हैं पार्षद वाले इलाके में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था कि ये गलत हो रहा है, और फिर 3 जून 2022 को लिखित शिकायत कांग्रेस ने एनजी को दी थी। नहीं, मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूँ कि सारा क्रेडिट आपको, लेकिन ये ए टीम और बी टीम वाला मसला मैं नहीं समझ पा रहा। ए टीम बी टीम पर अटैक क्यों कर रही है? ये मसला है कि जब अब की जब ये सरकार में थे बराबर वो एमसीडी भी उनका राज था, दोनों मिलकर काम करते थे। अब इन्होंने एमसीडी पर भी कब्जा किया, जब एमसीडी पर कब्जा किया तो बीजेपी ने देखा तो हमारा पूरा पूरा पत्ता साफ कर रहे, तो उन्होंने उस शिकायत को तेजी दिखाई और इनके ऊपर भी एक्शन कर लिया। तो यानी आप उस आरोप को सिद्ध कर रहे हैं आप ही के मुताबिक, जो ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल का ग्राफ बढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस किनारे हो चुकी है, केजरीवाल का ग्राफ बढ़ रहा है इसलिए अटैक कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं? वो तो समझ किसका कौन अटैक कर रहा है? नहीं, वो कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी वाले, क्योंकि कांग्रेस लड़ाई में है नहीं, केजरीवाल का ग्राफ बढ़ रहा है इसलिए परेशान हो रही है बीजेपी। सुन लीजिए, बीजेपी परेशान हो रही है नहीं हो रही है बीजेपी जाने, लेकिन जो सवाल किस बात का है कि जीतना चुनाव एक अलग बात है और संविधान के दायरे में रह के नियमों के मुताबिक काम करना एक दूसरी बात। जनता सब देखती है, जो जनता एक बार दो बार तीन बार जिताती है वो तुरंत गिराती भी है। अच्छा ओमकार जी, अब मुझे एक बात बताइए, आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर मैं कौशिक जी आपके पास आ रहा हूँ। अभी तो मसला ये हुआ क्योंकि मैं आप ही के नेता की अलका लांबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, ये है कि चलिए औपचारिक रूप से आपने दिल्ली में आज लड्डू नहीं बांटे, लेकिन घर में बटे हैं आज सबके, कांग्रेसियों के घर में, कि भैया एक बवाल खत्म हुआ। नहीं ऐसी है? बात आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी सर आप जान मन में तो लड्डू फूटे आप लोगों के, लेकिन एक बात ओमकार जी सुन तो लीजिए, आप ही ने कहा ना शिकायत आपने कि मैं तो आप ही को क्रेडिट दे रहा हूं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि अगर नेशनल हराट केस में कार्रवाई होती है, अगर मैं गलत हूंगा कौशिक की टोक देना, मेरे बड़े हैं क्योंकि मैं उनको बोल रहा हूं, अधिकार दे दिया, अगर नेशनल हराट केस में कार्रवाई होती है तो आप छाती पीट कर आंखों में आंसू लाकर बोलते कि हाय तौबा सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाओ क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो गया, ये सारी एजेंसियां मिली हुई हैं। अगर केजरीवाल पे अटैक होता तो आप कहते हो कि नहीं ये तो महाचोर है, भ्रष्टाचारी है, ये समझ में नहीं आया ओंकार नाथ जी मुझे। अब तिलक भाई जब आपने इतना बड़ा आरोप लगाया तो सुन, नहीं आरोप नहीं सर ये सवाल है, नहीं सवाल ही वही सवाल ही, हम तो इसको आरोप मान के चल रहे हैं, हमारी बात कर लीजिए। नेशनल हेराल्ड में शराब की नीति में जमीन आसमान का अंतर है। नेशनल हेराल्ड में मुकदमा किसने किया था? मुकदमा जिसने किया था नेशनल वो सुब्रमण्यम स्वामी थे, और सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा किया था वो, नहीं नहीं केस किसने किया मैं उसमें नहीं जा रहा, क्रेडिट तो मैंने आपको दिया ना कि आपने लड़ाई लड़ी है वाली केजरीवाल वाली। अगर ये विपक्ष पर जांच एजेंसियों का हमला है तो आप लेते हैं तो एजेंसियों पर हमला, केजरीवाल करे तो आप कहते नहीं। आप वही तो बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ उसका जवाब ही दे रहा हूँ आपको। केजरीवाल में और इसमें ये फर्क ये है मनोज सिसोदिया वाले ने कि नेशनल हेराल्ड एजेंसी पर मुकदमा किया था उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो कि शेयर होल्डर नहीं थे नेशनल हेराल्ड के, समझ गए आप उनके पिता थे। हाँ अच्छा, और किसी शेयर होल्डर ने मुकदमा नहीं किया था, उन्होंने अपनी वकालत के बल पे न्यायालय को किस तरह से क्या कहते हैं समझाया कि न्यायालय ने उस पर मुकदमा किया। सुन लीजिए हंसिए मत सर, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं बात सिर्फ जांच एजेंसियों की कर रहा हूँ, आप मुझे मुकदमा पढ़ा रहे हैं। नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ अंतर कहाँ पे है, जांच एजेंसियां जब कैसे आती है ये बता रहा हूँ मैं। अब देखिए आप बता रहे हैं सर, अनुभव तो बहुत लंबा है आपका, आप बोल लो फिर हम लोग। नहीं नहीं मैं क्योंकि सिर्फ जांच एजेंसी की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो जनता तक बात नहीं जाएगी ना जी। प्लीज जल्दी से, फिर मैं कोशिश की बात। तो उसके बाद जब वो वहां पर हो गया तो इन्होंने मुकदमा किया, जब उनसे सबूत मांगे गए तो सबूत नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा इस पर कोई दूसरा मुकदमा कर भी नहीं सकता है, कोई और आने आ जाए तो उन्होंने हाईकोर्ट से गया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। तब सरकार ने ईडी भेजी,
ये इसमें क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज का वो हुआ है, ये जी उसको प्रूफ नहीं कर पाई। 4 दिन बिठाला उन्होंने राहुल गांधी को, 4 दिन बिठाला उन्होंने सोनिया जी को, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाई। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ पर जानबूझ के हो रहा है, जैसे पवन खेड़ा के साथ में हुआ। पवन खेड़ा ने क्या कहा था, एक शब्द ही कहा था जो अमर्यादित था, जिसको उन्होंने उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही माफी मांगी थी, लेकिन भाई कुछ लोगों को बुरा लगा। अभी मैं पवन खेड़ा वाले मुकदमे में नहीं जा रहा मसले पर, बहुत देर से पहुंची की वेट कर रहे हैं। एफआईआर कराई और एफआईआर कराने के बाद मान लीजिए एफआईआर हुई तो उसके बाद एक जांच होती है, उसकी प्रक्रिया होती है। आप आके उसको हवाई जहाज से उतार रहे हैं क्या भैया, विदेश भाग रहे हैं, कोई मर्डर किया हुआ है, कोई उन्होंने दिन बदल में किया हुआ है, अभी अभी भटक जाएगा मुद्दा। ओंकारनाथ जी करने वाला तरीका, ओंकारनाथ एक मिनट, हमारे यहाँ देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में जब क्या कहते हैं अधिवेशन हो रहा है तो मुख्यमंत्री के ऑफिस से रेड पाली जा रही है सर, आने के लिए सर, आपकी पुलिस भी नोएडा आकर गिरफ्तारियां करती है, ऐसा नहीं है ना सर। एक मिनट रुक जाइए प्लीज कौशिक जी, ये समझ में नहीं आया मुझे, ये केसी जैन साहब कह रहे हैं कि ये कट्टर बेईमान है, तरुणिमा जी कह रही हैं कि हम कट्टर ईमानदार है इसलिए परेशान कर रहे हैं, और ओंकारनाथ जी कह रहे हैं कि ये ए और बी टीम का मसला है, केजरीवाल जी का ग्राफ बढ़ रहा है इसलिए उनके पर काट रहे हैं, ये मसला कुछ समझ में नहीं आया सियासत के लिहाज से, जरा समझाइएगा कौशिक जी। देखो चावला साहब, इस मुद्दे पर कम से कम कांग्रेस बीजेपी के साथ तो आई, सीबीआई की गिरफ्तारी का सीबीआई के जांच का कांग्रेस ने स्वागत किया, अलका लामा हो चाहे अनिल चौधरी हो, उन्होंने ट्वीट करके इसके लिए तो कम से कम एक मुद्दा तो है। दूसरा आप पार्टी जो कह रही है, हमने देखा होगा एमसीडी चुनाव के बीच में जब सीबीआई चार्जशीट देती है और चार्जशीट में सिसोदिया जी का नाम नहीं होता है तो आपके नेता कहते हैं कि सीबीआई पर बहुत दबाव था, राजनीतिक दबाव था, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों ने मना कर दिया और उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई की है। देखिए हम जीत के सिसोदिया जी का कहीं नाम नहीं, सीबीआई को थैंक यू। अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जांच के लिए बुला लिया, तो अब सीबीआई कैसे खराब हो सकती है? या तो उस समय आप सीबीआई पे भरोसा कर रहे थे, बोला तो मुझे लगता है अब भी आपको सीबीआई पर भरोसा करना चाहिए। इसी बार राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि तोता था पिंजड़े का, मुलायम सिंह यादव ने कई बार कहा कि कांग्रेस उनको सीबीआई से डराती है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों के नेताओं ने भी कहा था उस समय कांग्रेस पर आरोप लगाए थे सीबीआई कांग्रेस डराती है। क्या वास्तव में एजेंसियों का दुरुपयोग होता है कि नहीं होता है? यदि दुरुपयोग हुआ होता तो निश्चित तौर से केजरीवाल जी के साथ विपक्ष में बैठे हुए सारे राजनीतिक दल एक साथ। यदि इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ अपने राजनीतिक कस्बे से देखें तो निश्चित तौर से आप जनता को भी जाकर के एक्सपोज करें। यदि सिसोदिया पर कार्रवाई सीबीआई ने की है वो सही है, आप मानिए कि सारी कार्रवाइयां सही हो रही है। यह सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई गलत है तो निश्चित तौर से मानिए कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। दूसरा एक सवाल बहुत बीच में से निकल के आया चावला साहब, कि सब भाजपा के नेताओं के खिलाफ क्यों निकाल? बिल्कुल सही सवाल था इस बात को लेकर के, क्या मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच कराने का अधिकार नहीं है क्या, सिफारिश करने का? क्या जिन राज्यों में सरकार विपक्षी राजनीतिक दलों की है क्या वहां मुकदमे नहीं लिखे जा सकते हैं क्या? यदि भाजपा के नेताओं के खिलाफ यदि ऐसे कुछ प्रकरण हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी कांग्रेस मुख्यमंत्री ने या केजरीवाल जी ने या पंजाब के मुख्यमंत्री ने या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई भाजपा नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय को की है, वो पेंडिंग पड़ी। वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल कौशिक जी, एक मिनट ओंकारनाथ जी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कौशिक जी की, नहीं वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया जहां राज्य आपके हैं वहां पर कर दीजिए मुकदमा, क्या दिक्कत है? सिफारिश तो कर सकते हैं ना सीबीआई जांच की। मैं बोलूं जी, गुजरात में सैकड़ों आदमी नकली शराब से मर गए, शराब बुरी तरह से वहां बेची जा रही है, क्या सरकार ने कभी उसकी जांच कराने की कोशिश की? सर मैं, सर जो कौशिक जी कह रहे हैं कि भाई उनके राज्यों में तो अपनी आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री तो सिफारिश कर सकते ना, यही कह रहे हैं ना कौशिक जी आप? भाई हो सकता है वहां पर ना मिली हो, नहीं तो मतलब वहां बीजेपी के नेता पाक साफ है। अरे भाई पाक साफ की बात नहीं है, हो सकता है वहां पर ऐसी कोई शिकायत ना मिली हो जिसकी सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता हो।
कौशिक जी नीतियाँ गलत रही हो तो हारे इसीलिए चुनाव नीतियाँ गलत थी जो उन्होंने किया लेकिन उन्होंने घपला दे क्या होगा लेकिन जहाँ घपले हुए वहाँ क्यों नहीं हो रही है जो जहाँ घपले हुए हैं एक मिनट कौशिक जी मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा जहाँ घपले हुए वहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं अजीत पवार के ऊपर लाखों का हजारों करोड़ का घोटाले का आरोप था सिंचाई विभाग का ये गए या इनके भी पार्टी के अंदर और दूसरे दिन उनके सारे आरोप वापस हो गए ठीक वापस तो ये क्या समय बाजी आई उसके बाद सरकार आपकी रही क्यों नहीं आपने सरकार रही की सिफारिश की क्यों नहीं आपने स्पेशल जांच कमेटी बनाई सवाल इस बात का है कि जब ये घोटाला तो हमने ही किया हुआ था जब घोटाला वो वहाँ पर था जब 12 बजे और जब वो बात हो रही थी पहले भाजपा ने किया था और जब ये पहुंचे तो वहाँ पर वापस हो गया तो ये प्रॉब्लम है वापस ले लिया दोबारा सरकार आपकी वहाँ आई साहब तो कम से कम मुझे लगता है कि वो दोबारा खुलने का अधिकार आपको था क्या पुराने प्रकरण खुलते नहीं है क्या हम तो जान रहे थे कि घोटाला नहीं है क्योंकि आपको भी उनके साथ सरकार चलानी थी तो आप भी चुप्पी साध गए दिक्कत तो ये है ना कि चोर चोर मौसेर है भाई नहीं उन्होंने उनको समर्थन दे दिया तो उनके मुकदमे वापिस ले लिए शब्दों का चयन अच्छा कीजिए आप पत्रकार हैं आप निष्पक्ष क्या कहते हैं बोलते हैं चोर मत कहिए किसी को जब तक आप चोर संबंध ना हम आपको चोर कहें ना आप हमको चोर कहिए चोर वो होता है जो जिसको सजा मिल जाती है ऐसी सरकार को पवार के खिलाफ चोर की कार्रवाई करवाई आपने जो मुकदमे वापस क्यों नहीं कहा क्यों कराएंगे भाई जब सरकार ने वापस ले लिया जब देख लिया उन्होंने कि नहीं है तो खत्म हो गया सही किए ना हम मानते हैं सही मुकदमे वापस इस बात का है कि जब अपने यहाँ ये कहना बड़ा आसान होता है कौशिक जी ये कहना बहुत आसान होता है जो आप कह रहे हैं कि ये वहाँ क्यों नहीं कराया भाई जब जिस सरकार में अगर नहीं हमारी सरकार ऐसी नहीं ये बदले की कार्रवाई हमारी सरकार जो है वो काम करती है जहाँ पर उचित होता है वहाँ पे जांच कराती जहाँ उचित नहीं होता वहाँ जांच नहीं कराती पूछता हूँ क्या जो प्रदेश सरकारों को संवैधानिक अधिकार है मुकदमे वापस लेने का ये मुझे बता दीजिए उसको खत्म कराइए नहीं संवैधानिक अधिकार मुकदमे वापस लेने का जो भी सरकार का है वो सरकार अपना देखती है उस पर कोर्ट फैसला करती है तब कुछ होता है और तो सरकार वापस ले लेती है उन्होंने संवैधानिक अधिकार का फायदा उठाया राजनीतिक फायदा उठाया कैसा भी फायदा उठाया ये है ना जब उनको अधिकार है आप कहोगे आपको अधिकार है साहब इसलिए आपने कर लिया हमारी सरकार नहीं है हम विपक्ष में तो गलत आपने कर लिया क्या आपकी सरकारों ने इस तरीके के केस वापस नहीं लिए क्या हमारी सरकार एक सरकार उनको है तो वो हमारी सरकार ने जब केस वापस लिए हैं तो गुण और दोष के आधार पर लिए हैं सुन लीजिए गुण और दोष के आधार पर कारनाथ जी चावला साहब मैं बता रहा हूँ आपसे वही तो बात है ना सुन लीजिए आपकी सरकार होगी वही तो बात कौशिक जी कह रहे थे ना 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 हमारी बात सुनिए पहले एक बात छोटा तो उदाहरण दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आ जाइए एक सदन के अंदर एक कानून पास हुआ मुख्यमंत्री योगी जी ने पास किया कि राजनैतिक मुकदमे जितने भी विधायकों के हैं उसको वापस ले लिए जाएंगे तो साहब सब लोगों ने पास कर दिया क्योंकि सबका इसमें स्वार्थ था कौन मुकदमा लड़े लेकिन हुआ क्या मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस कर लिए अपने पार्टी के लोगों के मुकदमे वापस कर लिए अपने मंत्रियों के मुकदमे वापस कर लिए लेकिन विपक्ष का एक भी मुकदमा वापस नहीं किया राजनीतिक मुकदमा और यहाँ कतल तक के मुकदमे वापस हो गए क्या उसकी याद में तो ये होता है नहीं अरे भाई नहीं क्यों वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप क्या कहते हैं आरोप मेरे नजदीकी से राजनीतिक आंदोलन नहीं था पार्टियों के हत्या का मुकदमा था वापस हो गया इनके मंत्री जो यहाँ वाले एक मिनट ठीक है एक मिनट कौशिक जी ने एक अलग और एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है ब्रेक के उस पार उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ जब मंत्री और मंत्री नहीं तमाम विभागों में से अधिकतर विभाग जब डिप्टी सीएम के पास हैं तो सरकार क्या जेल से चलेगी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के उस पार इसी महत्वपूर्ण सवाल पर आ रहे हैं तो कट्टर ईमानदार या फिर कट्टर बेईमान आरोप भी प्रत्यारोप भी वार भी पलटवार भी लेकिन अब चर्चा के दूसरे हिस्से की शुरुआत एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ जो कि ब्रेक से पहले कौशिक जी ने उठाया था उसे थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूं मैं तरुणिमा जी जरा देश की आवाम को और दिल्ली की जनता को जिसने आपको लोकप्रिय सरकार बनाया उनका जरा मार्गदर्शन करिए बड़े कंफ्यूज हैं दिल्ली में 33 विभाग हैं ठीक गलत होगा तो दुरुस्त करिएगा दिल्ली में 33 विभाग हैं और उनमें से 18 विभाग
मनीष सिसोदिया जी के पास है जी, यानी कि आधे विभाग लगभग और वो जेल में है, आधी सरकार जेल में है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब ये सरकार चलेगी कैसे, जेल से? देखिए जल्दी ही हम लोग न्यायपालिका है इस देश में, उसके पास जाएंगे और कोर्ट में जाने के बाद जल्दी ही, क्योंकि ये कुछ साबित कर ही नहीं पाएंगे मनीष जी के ऊपर। अच्छा, इन्होंने अभी कहा कि अगर इनको जांच ये साबित नहीं कर पाएंगे, आपने यही बात तो सत्येंद्र जैन को लेकर बोली थी, आज तक आपने उनका विभाग नहीं लिया, आपने उनको मंत्री बना के रखा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो आपने वो भी तो कहा था कि सत्येंद्र जैन न्यायालय के तहत जो है वो वापस बाहर आएंगे, अभी भी वो मालिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी बलात्कार के आरोपी से। आप ही बता दीजिए ना सत्येंद्र जैन पर कौन सा मुकदमा इन्होंने किया है। मैडम आप जाके कोर्ट से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि बाहर आए, आपने डिप्टी सीएम बना दीजिए, मुझे क्या दिक्कत है। सत्येंद्र जैन पर कोई भी गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है, उन्हें मैडम मैं तो जज हूँ नहीं, जबरदस्ती रखा मैं कोर्ट नहीं हूँ, आप कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है, आप जाके पैरवी कर सकते हैं, बाहर आए डिप्टी सीएम बना दीजिए। मेरा सवाल ये है कि जिस जनता ने आपको वोट दिया, किस आधार पर कैद किया, किस आधार पर आपने इन्हें गिरफ्त किया, तो ये बता ही नहीं पाए, कह रहे जज जो है बदलो, ये जज सही मुझे नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सवाल को सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक मंत्री जिसके पास काम कर रही आपके है। डिप्टी सीएम, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, आपके डिप्टी सीएम उनके पास 18 विभाग है, वो इस वक्त जेल में है, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री उनके पास लगभग 36 विभाग थे, अगर मैं गलत हूंगा दुरुस्त करिएगा, अब आपकी आधी सरकार जेल में है तो कैसे चलेगा मैडम काम? देखिए हम कट्टर ईमानदार पार्टी है और हमारा काम दिल्ली में कभी रुकेगा नहीं और चलता रहेगा। मैडम कैसे, वैसे ही मैं वही पूछ रहा हूं, अधिकारी तिहाड़ जेल में जाके साइन करवाएंगे कराएंगे बच्चों को? आप मैं वहीं आ रही हूं, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, वहीं शिक्षा बच्चों को वैसे ही मिलता रहेगा जैसे मिलता आया है, और हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जल्दी ही हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जोड़ के विनती है मेरी, मसला शिक्षा का नहीं है, मसला शराब का है, दारू का है। तो अगर मसला है तो इस पर सबूत पेश करेंगे, ठीक, अगर ओके, सबूत नहीं ओके, पेश कर पाए मेरा गलत सवाल तो था, सरकार अभी अगर जेल में है तो कैसे काम होगा, कौशिक जी, कौशिक जी फिर कैसे चल रहा है आपके पास, जबरदस्ती जेल में रख लेंगे, और यही बात है, अगर ये इनको इन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला, अगर इन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता ने कि इन्होंने जांच में जो है सहयोग नहीं किया इसलिए गिरफ्तार किया गया, अगर सहयोग में जांच नहीं किया तो सुबह से दिल्ली को छावनी क्यों बना ली थी, दिल्ली को छावनी इसलिए इन्होंने बना ली थी। कर्णिमा जी का ऑडियो नीचे प्लीज, एक मिनट मैडम प्लीज उनको सुन लीजिए, कौशिक जी को मैंने आज तक के इतिहास में ये कभी नहीं देखा कि सीबीआई पूछताछ के लिए हजारों की संख्या में रोड शो करके और भाषण देकर के जाए सीबीआई की पूछताछ के लिए, इसका मतलब ये था कि आपको पता था कि निश्चित तौर से इस बार गिरफ्तारी होनी है, और ये गिरफ्तारी की बात अभी से नहीं चिल्लाते थे आप। अच्छा, गिरफ्तारी वाली बात बिल्कुल दिलचस्प कही आपने, अभी मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, केजरीवाल जी बता रहे थे कौशिक जी कि इस संडे तक गिरफ्तारी हो जाएगी, मेरी बात को समझिएगा जैन साहब, इतने जबरदस्त हैं सोर्स तो हमारे पास भी नहीं है, अब पता नहीं कैसी जैन तो सरकार चला रहे हैं, इनके पास तो होंगे, कह रहे थे कि इस संडे तक गिरफ्तारी हो जाएगी। जब सत्येंद्र जी को गिरफ्तार किया गया तब बोले कि अगला नंबर सिसोदिया जी का है, मुझे नहीं मालूम कि वो इतने महीने पहले कैसे, या तो पंडित जी हो सकते हैं या ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में तो इतना जबरदस्त इनपुट तो केसी जैन साहब के पास भी नहीं होगा, यह कैसे पता चल जाता है। और दूसरी बात, हां एक दिलचस्प बात और है, सत्येंद्र जैन वाले मामले में उन्होंने कहा कि मैंने कागज देख लीजिए, सुनिएगा मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैंने कागज देख लीजिए, मैंने ही जांच करवा ली और मैंने ही बता दिया कि मंत्री जी बेकसूर है, ठीक, एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और फिर उसके बाद कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया जी मैंने जांच करवा ली, सब कुछ ओके है, सब कुछ क्लीन चिट है, नंबर सिसोदिया जी का भी आ गया। नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो जिसकी तारीफ करते हैं अगला नंबर उसी का आ जाता है। केसी जैन साहब, ये मसला तो सीधे तौर पर अब राजनीतिक रंग ले चुका है,
ये कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, इस वजह से आप लोग परेशान कर रहे हैं। देखिए चावला जी, अगर वो कट्टर ईमानदार है तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? अगर वो ईमानदार है तो उनकी दाढ़ी में तिनका है तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसको पहले से तिनका होती है। और उसी तरीके के बयान आदरणीय केजरीवाल जी के आए, जैन साहब, अगर इनकी दाढ़ी में चोर की दाढ़ी में तिनका है तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वेवर दिए गए थे, तो वहां भी क्या चोर की दाढ़ी में तिनका था जहां आपकी सरकार थी? नहीं नहीं, देखिए देखिए, अभी अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के हमारे साथी ने जिस प्रकार से बात रखी, कौशिक जी का जवाब दिया, आप गोल क्यों कर रहे हैं मेरे सवाल को? क्यों जांच कराते क्यों कराते, तमाम सारी बातें हैं। देखिए जांच कोई भी होती है, जैन साहब सवाल क्यों बोल कर रहे हैं? बाद उस हिसाब से कार्रवाई होती है। और अभी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की बहन बार बार कह रही, नहीं वो निर्दोष है, हम कट्टर ईमानदार है, और इनके कई मंत्री आठ आठ नौ नौ महीने तक जेल में रहे, अभी भी कई मंत्री इनके जेल में है। और अब सिसोदिया जी का नंबर आया है, और जिसको ये कह रहे हैं शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ, 6% से कमीशन बढ़ा के 12% आपने कैसे कर दिया? कहां से आपने कमीशन ली? टैक्स भी आपने कहां से माफ कर दिया? फिर कह रहे हैं कोरोना काल का माफ कर दिया, हटकर टाल दिया आपने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जवाब। जी 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 चावला जी, आप ये बता दीजिए अडानी पर बात क्यों नहीं हो रही? अडानी ने जो घोटाला किया है उस पर बात क्यों नहीं करती है? उस पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठती? टीवी की जांच क्यों नहीं बैठती? ईडी की जांच क्यों नहीं बैठती? अडानी चोर है इसलिए आप चोरी कर रहे हैं, गुजरात में पुल टूट गया, कई सारे कई सारे लोग मर गए, उस पर जांच क्यों नहीं बैठी? उस घोटाले पे जांच क्यों नहीं बैठी? गुजरात के मुख्यमंत्री पे, गुजरात के मुख्यमंत्री पे जांच क्यों नहीं बैठी? गुजरात में चुनाव से पहले पुल टूट गया, उस पर आम आदमी पार्टी करने वाली नहीं है, बाहर निकलेंगे तो ये पहले भी छूटे थे, अब भी छूटेंगे, और हम कट्टर ईमानदार हैं, जैसा देशभक्त पार्टी है, और हम ऐसे ही देश को चलाते रहेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। मिटाने का काम किया जिन लोगों से, पैसे का लेन देन हुआ अंडर टेबल, पैसे का लेन देन हुआ। अच्छा ये सबूत बता दीजिए, एक मिनट एक मिनट, केसी जैन साहब एक मिनट एक मिनट, बहुत पहली बात कही आपने, सबूत मिटा दीजिए, सबूत मिटाने वाली बात पर मैं आऊंगा, लेकिन एक मिनट एक मिनट जी, एक मिनट प्लीज एक मिनट केसी जैन साहब सवाल ले लीजिए। केसी जैन साहब अब सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर, आपने बहुत वैलिड बात कही, सबूत मिटाने वाली बात, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर तो मैंने सवाल पूछा था आपने, वेवर तो इन्होंने भी किए, तो फिर यहां भी क्या दाल में कुछ काला था? आप मुझे घुमा रहे हैं उस सवाल पर। देखिए अगर कहीं पे भी जांच होती है, जांच किसी भी अधिकारी पे हो, कहीं पर भी हो, किसी भी चाहे नेता पे हो चाहे अधिकारी पे हो, जांच के बाद आपके पास न्यायालय है, और हमारे साथ अगर कहीं पे कुछ हुआ, हम न्यायालय की शरण में गए। अच्छा, मतलब ये न्यायालय चले जाए, आप जांच नहीं करवाएंगे फिर? नहीं नहीं, जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात, आपने कहा ये सबूत मिटाएंगे, मैं आ रहा हूँ ओंकारनाथ जी और कौशिक जी, क्योंकि अभी जैन साहब ने कहा सबूत मिटाने का भी काम किया उन्होंने। हाँ सबूत मिटाने का, मेरा वही सवाल है, मेरा वही कंसर्न है। एक मिनट, कमीशन का बंदा बात हुई, सबूत मिटा दिए, कमीशन आपने क्यों बढ़ाया 6% से 12%? कमीशन कैसे करके 6% से 12%? आपने बिना परमिशन लिए, घोटाला किया है आप, ये बता दीजिए कहाँ किया घोटाला?
आपने एक बहुत बड़ी बात कही, एक मिनट, आज पूरे देश में इसी को लेकर चर्चा है। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, आपने कहा सबूत मिटाने वाली बात। कौशिक जी बिल्कुल सही सुना आपने, सुना ओंकार नारी सबूत मिटाने वाली बात को सबने सुना। एक मिनट जैन साहब सुन लो ना, गुस्सा मत हो। देखिए ना, मुझे आप आम आदमी पार्टी से कुछ लेना देना, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से। ठीक, जो सवाल है जनता के जहन में, मैं वही सवाल पूछता हूं। आपने बात कही सबूत मिटाने वाली बात, 17 अगस्त, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 17 अगस्त 2022 को इस पूरे मामले की FIR दर्ज की। नवंबर में चार्जशीट दाखिल हुई, चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। ठीक, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई तब उनका नाम आया। 26 फरवरी यानी कि 7.5 महीने बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। इतने वक्त आपने इंतजार क्यों किया? इतने में तो सबूत मिटा दिए होंगे उन्होंने कि नहीं? आप ही के मुताबिक मिटाने का इंतजार किया? अगर सबूत मिट गए तो फिर गिरफ्तार किस सबूत पे किया? इसका जवाब दे दे। सवाल जैन साहब से है, एक मिनट, अगर सवाल पसंद नहीं आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आया पसंद तो सुन लीजिए। प्रथम दृष्टया जब जांच हुई, मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, प्रथम दृष्टया जब जांच हुई, जांच पे सारा की सारा भार ऐसा नहीं इनसे पूछताछ की, मनीष सिसोदिया जी से भी पूछताछ की, सारा की सारा दारोमदार इन्होंने अधिकारियों पर डाल दिया, आबकारी अधिकारियों पर डाल दिया। 8 आबकारी अधिकारी गिरफ्तार हुए, जिनमें से कुछ की बेल हुई, कुछ अब भी जेल में, और अपने आप को पाक साफ बरी कर लिया। लेकिन जांच सबूत नष्ट करने का मौका क्यों दिया फिर आपने? जब जांच निचले स्तर तक पहुंची तो पता चलता है कि सारे घोटाले के सूत्रधार ये बात तो जैन साहब भी लागू होती, सबूत में नष्ट ना इतने टाइम में 7.5 महीने में सबूत नष्ट हो जाते हैं। कौशिक जी गलत कहा मैंने, 7.5 महीने में सबूत तो नष्ट हो जाएंगे। और देखिए ये तो जांच एजेंसी करके, और एक चीज बता दूं आपको, आपको चावला जी, मैं भी पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ सप्लीमेंट्री चार्जशीट बाद में आती है, सामान्य केसेस में आती है, पुलिस की जांच में आती है, तो सबूत नष्ट हो जाते हैं कि नहीं? ये तो जैन साहब जानते होंगे या अधिवक्ता हैं, तो पहली सीट, पहली चार्जशीट पे नाम नहीं है, और जिस व्यक्ति को नंबर एक अभियुक्त बनाया गया उसके खिलाफ आप 2 पेज भी नहीं लिख पाए। कितने पेज की चार्जशीट थी जैन साहब को पता होगा, यदि इतने महीने में आप नाम नहीं कर पाए, और सप्लीमेंट्री यदि आप देते हैं चार्जशीट तो उसमें नाम जुड़ के आता है, तो निश्चित तौर से कहूंगा या तो अधिकारी फेलियर हुए, या अधिकारियों में जो टीम जांच कर रही होगी, या टीम चेंज हुई है कि नहीं हुई है, ये भी एक जांच का विषय है, क्या गंभीरता से उन्होंने जांच की कि नहीं की, ये भी एक जांच का विषय है। दूसरा ये माना जा सकता है कि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन जिसको एक नंबर मुलजिम बनाया गया हो, पहले नंबर पर जिसको रखा हो मुलजिम के रूप में, अगर उसके खिलाफ आप नहीं सबूत दे पाए पहली चार्जशीट में, तो सवाल खड़े होते हैं CBI। दूसरी बात चावला साहब, मैं कहूँ इस बात को लेकर के, मैं अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यदि आप पार्टी को, और जिस तरीके से बार बार अडानी और ये सब नाम आ रहे, मैं तो कहना चाहूंगा केंद्र सरकार बचा सकती है, हो सकता है इनके आरोप बिल्कुल सही हो, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां आप शासित राज्य हैं, आप पार्टी के जहां चुनाव, मुझे लगता है वहां अडानी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, वो जिन लोगों के शेयर में नुकसान हुआ है वहां उन राज्यों के मुख्यमंत्री को अपील करनी चाहिए कि आकर के कम से कम मिलें, निश्चित तौर से अपने स्तर से जांच कराएं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार का विषय क्षेत्र आ गया, कहीं अडानी इतना बड़ा व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति, जिसकी जांच केंद्र सरकार ही करा सकती है। यदि एक एक राज्यों में तो ये रेड कार्पेट बिछा के कहते हैं आइए फोटो खिंचवाइए हमारे साथ गुलदस्ता देते हुए, ओंकार नाथ जी मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है विपक्ष में बैठे हुए। प्लीज जल्दी से ओंकार नाथ जी, सर आप बताइए, फोटो नहीं खिंचवाई सर, आप ऐसे नाराज हो जाते हैं? नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। नहीं ओंकार नाथ जी, मैंने गलत क्या कहा इसमें? आपने फोटो खिंचवाई तो मैंने ये तो कहा कि आपने उनके साथ फोटो खिंचवाई। मान लेंगे हम, क्या बोलेंगे? नहीं ओंकार ना सर, आप ऐसे नहीं है सर, आप कम से कम इस मामले में नहीं, फोटो खिंचवाई मैंने यही तो कहा कि फोटो खिंचवाई, नहीं खिंचवाई तो अगर अशोक गहलोत जी ने तो बोलो कि मैंने गलत बोला।
नहीं नहीं, अशोक गहलोत जी ने क्या कहा? अशोक गहलोत जी ने कोई उनके लिए स्पेशल ऑर्डर किया था? हाँ। हम अदानी के खिलाफ नहीं है, हम अदानी को हर चीज देने के खिलाफ है। अच्छा, हमने एक सिस्टम बनाया, उसमें चार लोग आए। कौशिक जी कह रहे हैं गिरफ्तारी, कौशिक जी कह रहे हैं कि आपको अगर दिक्कत है तो अपने राज्यों में FIR दर्ज कर लो। सुन लीजिए ना, किस चीज़ जो असम में एयरपोर्ट, हमने एक चीज अभी सरकार को दिया है, सरकार को क्या कहते हैं पहले देखे, वहाँ भी काम है, भारत सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गई, स्टेट गवर्नमेंट हार गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, स्टेट गवर्नमेंट की फैसला दिया है। तो ये चीज का एक तरीका होता है, नियम कायदा कानून होता है कि आप अपने हिसाब से बना देंगे कि वो कर देंगे, ये भी किसके अंग में आती है। अच्छा, मेरे पास सिर्फ दो मिनट बचे, एक सेकंड, ये वाला सवाल मैं पूछ लूंगा आपके सामने। कैसे कर देंगे? एक मिनट, आप ये दिक्कत है कौशिक जी ना, एक बार हवा मारते हैं और फिर उसके बाद चिंगारी ब्लास्ट हो जाती है। एक मिनट, मैं एक बात कह रहा हूँ ओंकार नाथ जी, फिर मैं जान साहब से पूछूंगा। असम सरकार अडानी के खिलाफ हाईकोर्ट गई, वहां हारी, अडानी को एयरपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई थी, असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वहां भी वो हारी। इस बात का मैं दे दूंगा आपको, तो मैं व्हाट्सएप पर कर दे रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भेज देने का। और अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा ये वाला पॉइंट ले लेंगे, एक सेकंड ये वाला पॉइंट जैन साहब से ले लेंगे, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ करनाथ जी, मेरा सवाल थोड़ा सा हटके आपसे, अब ये जो आपने एक मुहिम छेड़ी थी कि सारे एकजुट हो जाओ, सारे एक साथ आ जाओ, अगर सारे एक साथ आ गए तो नीतीश कुमार ने कहा था कि 100 सीटों में निपट जाएगी बीजेपी। अब ये वाला जो मसला है, जिस तरह से अखिलेश यादव फ्रंट पर आकर केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, केसीआर फ्रंट पर आकर केजरीवाल के साथ खड़े हैं, लेकिन आप अलग खड़े हैं, तो फिर ये एकजुटता कैसे हो पाएगी कि नहीं? भाई दो चीजें होती हैं। हाँ, हम आपके साथ अवश्य रहेंगे, लेकिन अगर आप गलत काम करोगे तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप गलत काम करो, हम आपके साथ रहेंगे। अच्छा, जो गलती करेगा तो वो गलती की सजा पाएगा, जो गलती नहीं करेगा उसकी बात दूसरी। अगर कोई जबरदस्ती सताया जाएगा तो कोई दोषी थोड़ी ना, अभी दोषी थोड़ी ना हो गया कोई, अभी तो हम कहां कह रहे दोषी हो गया, हमने तो स्वयं इसकी शिकायत की है। जब हम समझ रहे हैं कि गलती है okay. तो जांच होने दीजिए, ओके जांच होगी, पता लगेगा। ओके, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, फाइनल कमेंट केसी जैन साहब, जो बात आपने कही है ओंकार नाथ जी, वही सवाल पूछ रहा हूँ, फिर बाद में बोलते हैं आप लोग सवाल। जैन साहब, ये कह रहे हैं कि अडानी के यहाँ CBI क्यों नहीं जाती? देखिए, अभी आदरणीय ओंकार नाथ जी ने भी कहा कि उसकी जांच कौन करेगा, सेबी करेगा, और सेबी उसकी जांच कर रही है। RBI ने भी सारे बैंकों से रिपोर्ट भी मांगी और सारी बैंकों ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। नहीं, दरअसल वो एक जैन साहब, 1% अगर शेयर है, कहने का उनका लबो लबाव यही था, जितना मैं समझ पाया तर्निमा और ओंकार नाथ जी का। जैन साहब आज भी, जैन साहब सुन तो लीजिए, जैन साहब 10 सेकंड है मेरे पास, 10 सेकंड है। जैन साहब अब कौन फायदे में वो एक अलग विषय है, राजनीतिक, क्योंकि यहाँ पे तुतु मैं हो रही थी। तर्निमा और ओंकार नाथ जी का कहना यह है कि अडानी के मामले पर इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है? देखिए, कोई भी देश बिना किसी उद्योगों के लगे देश नहीं चल सकता है, और देश के विकास के लिए उद्योगों का होना जरूरी है। उद्योग कौन लगाए? उद्योगपति लगाएगा। आप हर एक उद्योगपति को अगर इस दृष्टि से देखेंगे कि वो चोर है, पहले से उसको चोर मान लेंगे, तब तो काम चल ही नहीं सकता है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार सालों से वो कह रहे थे, नहीं वो तो बिल्कुल चोर है, अडानी, तो इससे वो उसको पहले से चोर सिद्ध कर देना चाहते थे। और एक विदेशी कंपनी 10 लोगों की कंपनियों चला रही, 10 लोग मिलकर के। अच्छा, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन उसी बात को सही मान करके कैसे मान लिया जाए कि नहीं? ओके, एक उत्तर नहीं मिल पाया तर्निमा जी, वक्त इजाजत, सबका ऑडियो नीचे। अब तर्निमा जी, एक उत्तर नहीं मिल पाया जो मैंने शुरू में कहा था, 33 विभाग है मनीष सिसोदिया जी के पास, और 33 विभाग दिल्ली में, 18 विभाग उनके पास। कैसी जैन साहब के विभाग जोड़ लोगे तो आधे से ज्यादा मामला, सरकार आधी दिल्ली जेल में है, तिहाड़ में। तो ऐसी स्थिति में क्या जेल से चलेगी सरकार? इसका उत्तर अभी तक नहीं दिया था आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी आपका भी, ओंकार जी आपका भी, जैन साहब आपका भी, तर्णिमा जी आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। कट्टर ईमानदार या कट्टर बेईमान, अभी फिलहाल जनता तय करे, कोर्ट के तय करने से पहले। फिलहाल मुझे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।